अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी क्या है, मैं इसके कुछ एडवांटेजेस बता दूंगा, कुछ डिसएडवांटेजेस बता दूंगा आपको। ये एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक टोपोलॉजी है। इसके अंदर होता क्या है, ये बहुत चीप है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटरनेट का वायर आ रहा है, मैं उससे 5 डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दूं उसी वायर से डायरेक्टली, उसको किसी मॉडेम में कनेक्ट करने के बाद देन कनेक्शन नहीं करूं, मतलब जो इंटरनेट का मेन वायर आ रहा है उससे एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके अलग अलग पीसीज को कनेक्ट कर दूं, तो ये कहलाएगा बस टोपोलॉजी। ये आप घर में भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा नेटवर्क आप घर में भी कनेक्ट करके बना सकते हैं। ये बहुत ही चीप है, सही है। और लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेट के वायर को कुछ हो जाता है तो सारे ख़त्म हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका कोई भी चीज़ सही से वर्क नहीं करेगी। और इसके अंदर मसला ये है कि आपको पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से वायर डैमेज है या कहाँ से प्रॉब्लम आया है। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नेटवर्क को हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वायर यहाँ से ब्रेक है तो ये पीसी भी वर्क नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं। अब मुझे नहीं पता कि इस पीसी का मसला है या वायर यहाँ कहीं से ख़राब है या वायर इस अपने पीसी का ख़राब है, इस तरह इन सब तीनों जो है ब्लैंक हो जाएंगे, बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे और मुझे पता नहीं चल पाएगा कि वायर बेसिकली ख़राब हुआ कहाँ से। तो अगर ये इसके अंदर क्या है, अगर कोई पीसी का वायर ख़राब होगा तो खाली पीसी पे इफेक्ट होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर मेन वायर ख़राब हुआ तो पूरे इंटायर नेटवर्क पे इशू क्रिएट हो जाएगा। बस टोपोलॉजी ये सिंपल है। देन उसके बाद हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास ये होता है, सॉरी स्टार से पहले आती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या है, रिंग की तरह आपस में कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पी सी 1 कहता हूँ, देन पी सी 2, पी सी 3, पी सी 4 एंड पी सी 5। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें भी आपका कहीं से वायर ब्रेक हो जाता है तो आपस का पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी सारे पीसीज का आपस में कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ इससे यानी इस पीसी से इस पीसी को ट्रांसफ़र करनी है या इस पीसी से इस पीसी को ट्रांसफ़र करनी है तो वो डिफरेंट पीसीज से होती भी जाएगी, यानी कि वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्या करेगी, इस पीसी पे जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वायर इसमें कनेक्ट है तो इसमें से होती भी इसके पास जाएगी। यहाँ पे बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था, आप मेन वायर से कनेक्ट थे तो अगर फॉर एग्जांपल कोई मैसेज इसके लिए आया तो वो देखता है इस आईपी पे नहीं जाना, इस पे नहीं जाना, और जो भी आईपी है एग्जैक्टली उस पर पहुंच के वो उस चीज़ को मैसेज को डिलीवर कर देता। लेकिन यहाँ पे कोई तरीकेकार ही नहीं, यहाँ पे आपको पीसी से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, और उसके अलावा अगर ब्रेक हो जाता है वायर तो फिर क्या होगा, आपका आपस में सबसे कनेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी इन सबसे, इन दोनों से बेहतर है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जैसे हमारे घर में जो है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में नहीं, गेमिंग जोन में होता है, हर कोई गेमिंग जोन गया होगा। गेमिंग जोन के अंदर आपने देखा होगा एक स्विच लगा हुआ होता है, सही है, जिससे डिफरेंट इंटरनेट के वायर आ रहे होते हैं, एक मॉडेम सी लगी हुई होती है और उसके अंदर से जो है बहुत सारे पीसीज कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी पीसी में कोई प्रॉब्लम आया या पीसी पे आने वाले वायर में कोई प्रॉब्लम आया तो खाली उस पर इफेक्ट होता है, हर पीसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। यानी कि इस में से जो कनेक्शन आ रहा है, समझ लें आपकी मेन आपकी जो है स्विच है, उसमें से जो भी कनेक्शन आ रहा है, तो कनेक्शन पे अगर किसी कंप्यूटर के एंड पे कोई मसला हुआ तो कंप्यूटर का मसला है, अगर इस वायर में कोई मसला हुआ तो एग्जैक्टली इस वायर का मसला है, बाकी नेटवर्क आपका क्या करता रहेगा, कम्प्लीटली चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी मेन स्विच के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो है पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाते हैं हम मैश टोपोलॉजी के ऊपर। मैश टोपोलॉजी के अंदर अभी जो दुनिया है वो मैश टोपोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल कैसे वर्क कर रही है, हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है हमने दसियों जगह से लिया होता है, हमें हम तक पहुंचा रहा है बंदा वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें खाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वैसे इंटरनेट हमने क्या करा हुआ होगा, यूरोप के कई सारे कंट्रीज से लिया हुआ होगा, मिडिल ईस्ट से लिया हुआ होगा, जगह जगह से हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है। बेसिकली इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क, एक रूट है, मतलब आपने वायर बिछाए हैं और वायर की मदद से आप क्या कर रहे हैं, दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। इंटरनेट ये है और कुछ भी नहीं है। इंटरनेट इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आप दो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, दो लोगों की नहीं यानी कि पूरी दुनिया की जो आप कम्युनिकेशन आपस में करवा रहे हैं उसके लिए जो आपने वायर बिछाए हैं वो इंटरनेट है। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लेता हूँ ये पाकिस्तान है, सही है, ये इंडिया है, और ये फिर कोई अफगानिस्तान है,
सही है, इस तरह फिर ये ईरान है और इस तरह और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये अमेरिका है। सही, तो अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा अमेरिका से कनेक्शन जो हम इंटरनेट अमेरिका से ले रहे थे वो हमारा ब्रेक हो गया, तो क्या हमारा नेटवर्क खराब हो जाएगा? नहीं, हम इंडिया से ले सकते हैं, यानी अमेरिका से हमें बात करनी होगी तो हम इंडिया के थ्रू कर सकते हैं, या अफगानिस्तान, फिर ईरान के थ्रू अमेरिका से बात कर सकते हैं। यानी मैच टोपोलॉजी, हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इसकी खास बात यही है कि आपके नेटवर्क की स्पीड स्लो तो हो जाएगी, क्योंकि आप उसको क्या करना है, पहले वो डायरेक्ट बात कर सकता था, अब वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो उसको पहले यहाँ जाना पड़ रहा, यहाँ जाना पड़ रहा, तो स्पीड तो स्लो हो जाएगी क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, तो उसकी स्पीड पर फर्क आ जाएगा। लेकिन आपका नेटवर्क खत्म होने के बहुत कम चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर बोलता है कि भाई पीछे से मसला है, ये मसला है, वायर में मसला आ गया, फाइबर ऑप्टिक में मसला आ गया, तो आपका ऐसा नहीं होता कि पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक जगह से लिया हुआ, उसके पास मसला आ रहा है, उसका भी नेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कंप्लीटली बंद नहीं होगा, तो क्योंकि उसने दो तीन डिफरेंट जगहों से लिया हुआ इंटरनेट। तो आजकल की दुनिया का इंटरनेट का जो निज़ाम है या जो नेटवर्किंग का निज़ाम है वो ख़त्म इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के थ्रू, तो सारे वायर्स तो एक साथ ख़त्म नहीं हो सकते ना। अगर सारे वायर्स ख़त्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो नेटवर्क ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंडिया से भी कनेक्शन ख़त्म हो जाए वायर से, और जो है मेरा किससे, अफगानिस्तान से भी ख़त्म हो जाए, तब भी मैं इन सब से बात कर सकता हूँ। कैसे? मैं किससे बात करूँगा? ईरान से। सही है, ईरान अफगानिस्तान से बात करवा देगा मेरी, ईरान जो है और यानी और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, वो यानी कि अमेरिका से भी बात करवा देगा, वो सबसे बात करवा सकता है मेरी, इंडिया से भी बात करवा सकता है ईरान। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि मैच टोपोलॉजी में आप हर किसी से कनेक्ट हैं सेपरेटली, यानी कि आप भी सेपरेटली सबसे कनेक्ट हैं, वो भी सबसे कनेक्ट है, और इस तरह हर कोई एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्ट है, तो उसकी वजह से आपका क्या है, ये नेटवर्क यानी कि ये टोपोलॉजी जो है सबसे स्ट्रांग है। फिर उसके बाद आ जाती है वायरलेस। वायरलेस क्या है? हमारे घर में मोडेम है, सही है, तो हम क्या करते हैं वाईफाई का, हमारे पास वाईफाई सबके घर में होता है, तो वाईफाई के थ्रू जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है हम उसे क्या कहते हैं, वायरलेस टोपोलॉजी। तो इसके अंदर क्या है, कौन कहां पर है, किस रास्ते में, ये सब मैटर नहीं करता, आप फ्रीक्वेंसीज की मदद से, सिग्नल्स की मदद से क्या हुए हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, इसकी एक लिमिटेड रेंज होती है, उस रेंज में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क से कनेक्ट रह सकते हैं। जो जो इस रेंज के अंदर है वो सब क्या होंगे, आपकी डिवाइस से कनेक्ट हैं और वो नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं, तो ये है वायरलेस टोपोलॉजी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई, आप किसी से ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो काइंडली वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।